नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आह्वान पर आज यानी मंगलवार को प्रयागराज आन बन शहर में व्यापक असर दिख रहा है। बंद के समर्थन में व्यापारी संगठन समेत कई स्थानों से भी साथ दिया है। सुबह से ही पेट्रोल पंप, शहर के सभी प्रमुख बाजार, शॉपिंग मॉल के साथ अधिकांश स्कूल और कॉलेज बंद है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बंद के मद्देनजर प्रमुख बाजारों व महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था भी तगड़ी है। पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बल भी तैनात है। वहीं अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर अपनी शक्ति का परिचय दिया। प्रयागराज की सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां भी दौड़ रही हैं। शहर में स्थानांतरित हुए सरकारी कार्यालयों को वापस लाने, शिक्षा सेवा अधिकरण को प्रयागराज में स्थापित कराने को लेकर अधिवक्ता आंदोलनरत है। अनशन जारी रखने के साथ अधिवक्ताओं ने बंदी की पूर्व संस्था पर बाइक जुलूस निकालकर अपनी ताकत दिखाई। अधिवक्ताओं को समर्थक देने के लिए हर संगठन के लोग जुलूस में शामिल हुए। इन्हीं मांगों को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मंगलवार को प्रयागराज बंद का आह्वान किया। इस बंदी में हर संगठन का समर्थक रहा। इलाहाबाद बंद का आह्वान किया गया है। क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है और कहां का पुलिस तैनात किया गया है और अभी तक क्या शांति व्यवस्था बनाई गई है? देखिए, आज जो हाईकोर्ट बार अधिवक्ता संघ है उनके द्वारा आह्वान किया गया है अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के, इसमें अभी तक पूरी तरह से शांति नहीं है प्रयागराज बंद के दौरान, क्योंकि इनको व्यापारियों का भी समर्थन है और अन्य जो संगठन है, विभिन्न संगठन है, छात्र संगठन है, उनका भी समर्थन था। तो इनके द्वारा एक पूरा जुलूस निकाला गया था और इन्होंने शांतिपूर्वक बंद का आह्वान किया था। लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी, कुछ दुकानें खुली भी नहीं होंगी। जो मेडिकल स्टोर वगैरह हैं, आवश्यक सेवाएँ वाले हैं, इनको इन्होंने बंद भी नहीं कराया। अभी तक पूरी तरह से शांतिपूर्ण